यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो कितना पढ़ना है ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखना है कि पढ़ना क्या है, ये मायने रखता है। और यहाँ पटना में, दिल्ली मुखर्जी नगर में, यहाँ यहाँ रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। अब रेगिस्तान में आप 20 फीट खोलिए या 40 फीट खोल खोलिए, पानी नहीं निकलने वाला, निकलेगा नहीं निकलेगा। जगह देखिए ना कहाँ क्या मायने रखता है, उस हिसाब से सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा जो पढ़ने में बकलोल हो। समझदार को नहीं, समझदार बहुत घमंडी होते हैं, उन सब से दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सर। दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई करते, ऐसे वैसे वो कभी आगे नहीं जा सकते, कभी नहीं, क्योंकि कामयाबी इतना ज्यादा वक्त कहती है। कामयाबी कहती है तुम मुझे वक्त दो, हम तुमको कामयाबी दे दें। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं, देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू, आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़ कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, दिले रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की।